टास्क के बाद हम सीधा पहुंचे अपने कैंप के अंदर और मेरे को ना वही चीज मतलब खटक रही थी प्रिंस भाई वाली कि उसने ब्रेनलेस कैसे बोला। मैं बोल सकता था प्रिंस भाई के मुंह पे, मैंने कि भाई आपने किस आधार पे बोला कि आप ब्रेनलेस हो? उन्होंने तो मुझे बिग लिप्स बोला। अरे उससे मतलब नहीं है यार, अच्छी बात है आपको बोला, मेरे को अच्छी नहीं लगी वाली बात। हर बार मतलब डिमोटिवेट करते हैं हमें आके। कब करी मुझे बता भाई? वोट आउट का टाइम भाई, हर आदमी मोटिवेट करता है, दूसरी गैंग को भी मोटिवेट करता है कि भाई तू बेस्ट कर रहा है, बट मेरे साथ ये हुआ है कि भाई ने हमेशा ना डिमोटिवेट ही किया मेरे को आके। मैंने भाई एक बार बताया, प्रेम इधर आ, बता भाई तू भी एक बार अपनी बात। मैं ये चीज आज भी देखी कि प्रिंस भाई ये बोले कि स्ट्रांग को मत उड़ाना। कब? आज ही। नहीं प्रिंस भाई ने कब बोला? मैं थोड़ा उड़ा दो सबको, ये पता है हम मे भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो गए बट आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर और मेंबर बाय दैट वर्ड। तो उनको कुछ है ना थोड़ा कम समझ आता है, उनको समझाने के लिए कुछ 2-3 साल लग जाते हैं। तो मेरे को ना इन लोगों की यही गंदी बात लग रही थी और मेरे को और प्रेम को हमेशा वीक बोला जा रहा था गैंग के अंदर। जो कल आपका टास्क हुआ था ना, वो कल मैंने भी देख लिया था क्या हुआ था, वो तो किस्मत थी। लक्ष्य हो गया इंसान, नहीं लक्ष्य हो गया, हार जीत से कुछ नहीं होता। बन जाऊँ कुछ मेरा नहीं है, मैं इधर परफॉर्म कर रही हूँ, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, लोगों को दिख रहा है। बन के दिया लोगों के लिए काम कर रखा है, हिंदुस्तान जाकर कुछ काम कर रखा लोगों के लिए। ये मत दे, ये पहले का था, ये 2 साल पुराना था, अब जाके पूछ। मैं भी लोगों के लिए काम करती हूं, वीडियो नहीं डालती। डाला करो ना, दिखाओ लोगों को, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दिखाओ ना। गेम खेलने से वो नहीं बनता भाई। ब्रेनलेस आपको किसने बोला है? प्रिंस सर ने बोला ना। आप यहां क्यों बैठे हो? आप क्या बोल रहे हो अभी? अभी आपने क्या बोला मेरे को? आपने क्या बोला? परफॉर्मेंस तो आपने भी बड़ा लक्ष्य कर लिया। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लगता है ना, मेरे को प्रिंस भाई ने नहीं बनाया, मेरे को रोडीज ने नहीं बनाया, मैं अपने दम पे आया हूँ। अगर ये शो आपको नहीं बना रहा तो चले जाओ। बनाने की बात किसी का तो मैंने अभी की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि मेरे को, मैंने खुद को बनाया है, पब्लिक ने मेरे को बनाया है। मैंने लोग सब प्रिंस गैंग के मिल गए मेरे को मतलब नीचा दिखाना चाह रहे हैं, तो खटक रही थी वो बात अंदर। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी गैंग से चला गया, बहुत अच्छा लगा। ये शो है ना, मैंने प्रिंस भाई के बारे में बहुत सुना था कि प्रिंस भाई ये करता है। पता है प्रिंस भाई वोट आउट में क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ब्रेनलेस वाली जो बात भाई ने बात लिखी थी, मैं बोलने वाला था, मैंने कहा भाई बताओ आपने मेरे को कितना मौका दिया है, आप बताओ मौका दिया भाई? नहीं। हमेशा ही बोलते हैं भाई तू गांव से आया ही यार। मैं कहने वाला था, मैंने कहा भाई तू कहां से आया है, बट मैं बोला नहीं, मैंने कहा चलो भाई है, रिस्पेक्ट है, मैं नहीं बोला। तो यार ये थोड़ी नहीं है कि हाँ आप कपड़े पहन लिए, गाड़ी ले लिए, फ्लैट में रह लिए, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे हो गए। नहीं नहीं मैं बोला ही नहीं भाई, हर चीज बोल रहा, मैं बोल के जा रहा हूँ। नहीं भाई, भाई मैं नहीं खेलूंगा, मैं सच्चाई महाकसम, अरे मैं नहीं खेलूंगा भाई, भाई मेरे से खेला ही नहीं जाएगा। मैं यहाँ से प्रूफ करके भाई मैं यहाँ से हो चुका हूँ, यहाँ मतलब दिमाग में बात घुस चुकी है, तो मैं अब नहीं खेल पाऊंगा। अब तो उस गैंग में वो ही नहीं है, गेम ही बदल गया पूरा। आपको उन्होंने डीमोटिवेट किया है, आपको अब मौका मिलेगा मोटिवेशन दोबारा लाने का, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ हर चीज का एक सॉल्यूशन है। मैं तो कोई चीज बोल रहा हूँ, अगर तुमको मौका नहीं मिला अभी तक प्रूफ करने का, भाई तू अभी अपने गैंग में ना, अभी देख मैं रिया मैम के लिए खेल रहा था, अभी गौतम सर के लिए खेलते हैं ना यार, दिखाते ना गेम कैसा होता है भाई। तुमको मचाना है तो काफी समझाया, समझाने के बाद माइंड के अंदर ये वाली चीज आ गई। मैंने कहा ठीक है भाई इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए अपने आपको ना प्रूव करके दिखाना है कि थारा भाई जोगिंदर कौन है और क्या कर सकता है। तो फिर से होती है हमारे रोडीज की जर्नी की नई सुबह और नए गैंग के साथ हम सब उठते हैं। मेरे को बढ़िया लग रहा है प्रिंस सर की गैंग में आई हूँ एंड आई होप सारी चीज़ें वर्कआउट कर सके और हम काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर सके। बातचीत तो सबसे पहले से चल ही रही है, प्रियंका जी के साथ है मेरी तारीफ जो बना के रखनी है एंड ट्राई करेंगे हम फाइट ना करें और साथ में काम कर सकें। मेरी एक इंसान से बनती नहीं, वो मेरे गैंग में है, उससे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट क्या होगा? तो मेरे को तो था कि मैं ट्राई करूंगी मैं उसे दूर रहूं। हमारे दिन भी अच्छे होंगे, हमारी रातें भी अच्छी होगी, दूसरे वाले टेंट में गया है मंगल और शनि। एक मिनट, तूने जोगिंदर को मंगल बोला? शनि ने उसको शनि बोला। उसको वाशु को शनि बोला, कब से यहाँ बैठा था डेंजर जोन में तब गया, अब शांति है। अच्छा था तो लगा है क्यों नहीं? Point to be noted. कहता मेरे सामने 3 बार गई, 3 बार जाने के बाद जब लग गया ना फिर कहती ओह शिट। इस तरह का प्यार चूज करते हुए गैंग तो साथ ही रहेगी।
एक और बात बताओ, वाशु को क्यों नहीं लगाया? इसने सोचा होगा वाशु ऑलरेडी गैंग के लगा चुका है। उसके बाद आता है स्क्रोल। हम भागते हैं स्क्रोल की तरफ। Now it's time to get ready and see me for your next task. Let's go! हम लोग रेडी होते हैं अपने नए टास्क लोकेशन के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। टास्क लोकेशन पे पहुंचते ही बहुत ही सुंदर पहाड़ियां, बहुत ही सुंदर वादियां, और उसी बीच हमें दिखता है कि पहाड़ी के टॉप पर एक बॉक्सिंग रिंग बनी हुई है। भाई वो लोकेशन जितनी ब्यूटीफुल होती है, वो टास्क वाला जो सेटअप होता है उतना ही ज्यादा डेंजरस होता है। तो कहीं ना कहीं ये समझ आया कि कुछ फाइटिंग का और वॉर टाइप का टास्क होने वाला है। So roadies, welcome to TAC MTV roadies, Karmya Khan, co-powered by Wild Stone. कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्या, नई गैंग, नए गैंग लीडर्स, इसलिए अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। न्यू डे न्यू गैंग। Feels like a day one, sir. सर कल नींद नहीं आई अच्छे से। नींद तो नहीं आई अच्छे से। खुशी के मारे? खुशी के मारे नहीं, याद कर रहे थे। सर थोड़े इमोशंस जुड़े हैं वहाँ पे अभी तो। कल मैं भी जब इनसे बात करने लगा सोनू सर, तो मैंने एक पल के लिए बोला क्या बोलूं मैं इनको। मेरी गैंग के सारे रोडीज ही चले गए, जिनको मैंने पहले दिन से ऑडिशंस में सिलेक्ट किया बहुत शिद्दत से, बट मैं हिम्मत तो हारूंगा नहीं, आगे बढ़ता ही रहूंगा। और फिर मैंने यही सोचा कि चलो अब नए लोग आए मेरे गैंग में, अब इनके साथ क्या कर सकते हैं आगे जाके देखा जाएगा। सर देखो मेरे को तो मज़ा आ गया। कल सर ने बोला मेरे को कि जोगिंदर तू मेरे पास आ, मेरे को प्रिंस भाई की एक अच्छी बात नहीं लगी। एक सेकंड बोलने दे यार। प्रिंस भाई ने मेरे को मतलब कल ब्रेनलेस बोला था, तो भाई मतलब मेरे को ना मौका नहीं मिला था वहाँ से खेलने का, एक ही मौका मिला था, एक ही चांस, आपको भी पता है। मैंने तेरे को बोला कि मैं तेरे को मौके के लिए बोला, मेरे पास दो भाई मेरे को नहीं पता आपने कैसे बोला। करवाना है, दो फनीस्ट मेरे गैंग में ही है, तो मैं कैसे कराऊंगा कि दोनों को कि कोई इजीली पहचान पाए। बट भाई मेरे को अच्छी नहीं लगी वो चीज़ जो आपने बोली। सच अगर मेरे बोलने से तू ब्रेनलेस हो जाएगा तो फिर तो हर बात ही वही है ना। नहीं नहीं, उससे पहले भाई आपने काफ़ी बार अंडरडॉग्स में बोला था, कमजोर बोला था। एक बार मैं गोबर का तब टास्क कर रहा था, तब आपने बोला था कि जोगिंदर ये गांव, तू गांव से आया है तो ये देसी टास्क है तो तेरे को जीतना है। तो भाई ये चीज़ मतलब अच्छी बात है, ये मैं गांव से हूँ। मेरे को ना भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं भाई सभी गाँव से आ रखे हैं। मेरी बात सुन, अगर तू गाँव का होकर ना गाँव में प्राउड नहीं करता ना तो लाना था तेरे पे। भाई मैं प्राउड करता हूँ, मैं मना नहीं करता। मेरे को बोल तू मैं गाँव का हूँ, मैं गाँव का हूँ भाई। कपड़े पहनने से मैं कोई मैं वो नहीं बन जाऊंगा, मैं गांव का हूँ। नहीं ठीक है भाई, प्राउड फील कर। तो चलो भाई वो ब्रेनलेस वाली बात थोड़ी तेरे को बुरी लगी ना, उसके लिए आई एम सॉरी। पर मेरे लिए मेरे गैंग को समझाना था कि वो इजीली ढूंढ पाए। इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे टास्क जीतना, कि टास्क तुम कैसे जीत सकते हो, ठीक है ना। कोई तेरे पास पर्सनल जाके तेरे को नहीं बोल रहा था कितनी बार गैंग में आया। तेरे को मैंने समझाया कि जोगिंदर तेरे को अपने आप को प्रूफ करना है, राइट। नहीं भाई आपने समझाया, मैं मना ही नहीं कर रहा इस चीज़ को लेके। बट भाई कहीं तो कहीं ना मेरे को लगा कि मैं टीम में आया हूँ तो मैं बस, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया गया उस गैंग के अंदर। पूछ लो आप वहाँ पर, मैं बोलता था मेरे को चुप करवाते थे वो लोग। इसे कभी मना किया हमने बोलने को? भाई मैं आपको बताता हूँ, एक टास्क के लिए जा रहा था, हर्षिका ने मेरे को ये बोला, मैंने कहा भाई मैं करूँगा। तो इसने मेरे को बोला अगर तूने टास्क में आगा फिर देखना। तो भाई ये तो धमकी वाली बात थी भाई। मेरी बात सुन, लास्ट टास्क जब जीते हैं ये चढ़ने वाला मटके वाला, उसमें तेरे को भेजा था कि नहीं भेजा था? हाँ भाई भेजा था ना। पर भाई मेरी बारी नहीं आई ना, बस भाई भेजा था ना प्रूफ करने। अगर ऐसे तेरे पे विश्वास ना होता तेरे को मैं कभी ना भेजता। एंटरटेनमेंट टास्क में तेरे को मैंने क्या बोला कि जोगिंदर ये तेरा टास्क है, किसी और को नहीं बोला मैंने। मैंने बोला जोगिंदर प्रेम ये तुम्हारा टास्क है, और तुम्हें ये बोला कि हर टास्क तुम्हारे तरह के नहीं होते, जब तुम्हारे तरह का टास्क आएगा तो उसमें फाड़ देना, बोला था? हाँ जी भाई। मैंने ये तो नहीं बोला कि एंटरटेनमेंट टास्क में, मैंने इनको आकर नहीं बोला कि तुम इसमें फाड़ दोगे, नहीं बोला भाई। देखो प्रिंस भाई मेरे को कहीं तो कहीं ना लगा कि वहाँ पर इतनी वैल्यू सच में मेरे को नहीं मिली। चलो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि सुवेत वाशु आप बार बार इनको मौका दे रहे हो, ये टास्क में अग्रे है, फिर आप इनको नहीं बोल रहे मेरी को बोल रहे हो। भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा है भाई, आपने हमेशा उनको वैल्यू दी है भाई, मेरे को नहीं दिया। और ये प्रियंका कल क्या बोल रही थी भाई, एक बार इसकी बात सुन लीजिए। पूछो सर, एक बार पूछो। मैंने ये बोला था कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है।
अच्छा तेरे को पता है? इसने प्रूफ कर दिया कि मुझे शो नहीं करना, जाना है मुझे, शो नहीं करना, मैं तो नहीं हो पा रहा। क्या बात कर मेरे से, तेरे को पता है? रॉन्ग यार, अगर ऐसा बोला तो भाई ऐसे कैसे बोल सकती है तूने, तू मेरे साथ बैठी है। सर सर 10 बार जोगिंदर ने बोला है मुझे ये शो नहीं करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बाहर जाना है। अगर ये बोल रहा है तो मैंने बोला खुल के, तू मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तूने 10 बार बोला है जोगिंदर। अरे मैंने बोला है खुल के, हां तो इसके लिए तू मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि तू स्ट्रांग ही नहीं है मेंटली। बहुत मौके दिए, सबको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं सर, बट कोई ये नहीं बोल रहा कि मुझे शो छोड़ के जाना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था, वो एक छोटी सी बात को लेके, जो कि मुझे बहुत गलत लगा। और इतने लोगों के सामने वो प्रिंस सर को गलत दिखा रहा था, मुझे उसका बहुत ज्यादा बुरा लगा और मुझे पर्सनली बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। जोगिंदर तेरे को भी मैं वादा करता हूँ, तुझे मैं आगे भेजूंगा टास्क में सबसे पहले, और फिर प्रूव करना पड़ेगा। हाँ जोगिंदर। हाँ जी सर। जोगिंदर को जैसे ब्रेनलेस बोला गया उस गैंग में, आई थिंक ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय, वरना उसके आज 5-6 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते। रोडीज, आज होगा नई लॉयल्टीज का पहला टेस्ट। क्या बात है यार आप लोग? यस सर, ऑलवेज। सो गैंग्स के बीच आज होगी 3-way बैटल। हर गैंग में से 3 लोग आएंगे और 1 vs 1 होगा। वॉरियर्स जब लड़ते हैं तो क्या होता है? खून खराबा। जब खून बहेगा तो एक वॉरियर जीतेगा, और जब जीतेगा तो क्या मिलेगा? इम्यूनिटी। दोनों दे दो सर। अरे रिया ने बोला दोनों देंगे यार। रिया कहाँ पूछती है, कभी कभी तो बात करती है रिया। एक गैंग रोडियम्स भी कमा सकता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी। तो ये टास्क एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टास्क होने वाला है, और ये सुनने के बाद सब बहुत ज्यादा एक्टिव और अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये टास्क पूरा गेम डायनामिक्स ही चेंज कर सकता है। तो बैटल के 3 राउंड होंगे, आपके जो गैंग लीडर्स हैं वो 3 वॉरियर्स चुनेंगे और वो एक एक करके आपस में जाएंगे। आपको एक बड़ा कमाल का एक ना सूट दिया जाता है, एकदम उधर निंजा टाइप्स, और इन सूट्स पे रहोंगे 5 blue blood pots। वो बेसिकली आपको बचाने हैं और दूसरे वाले को फोड़ने हैं। हर बार जब आप एक पॉट फोड़ते हो तो एक पॉट के आपको मिलेंगे 500 rhodiums। 500। जो गैंग सबसे ज्यादा राउंड जीतेंगी उन्हें मिलेंगी 3 immunities। So, इस टास्क का नाम है खून भरी गैंग। खून भरी गैंग। वैसे भी कैंप में खून खराबा होता ही है, आज टास्क में होगा, मजा आएगा। सो गैंग लीडर्स बताओ आपके वो कौन से 3 वॉरियर्स हैं जो जाकर ये जंग लड़ेंगे। गौतम, यहाँ पे परफॉर्मेंस का मौका मिला मुझे, जोगिंदर को और आकृति को। या तू बता। मैम मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, प्लस आपने पीआई में भी देखा है मैं सारे वेपन्स चलाता हूँ। और तेरे में आग है जो अब तक मुझे लगता है ठीक डायरेक्शन नहीं मिली उसको। अरे आग को क्या, उसको क्या स्टोव चलाना क्या? आग है कि मैं स्टोव चलाना क्या? चल वाशु को एक चांस देते हैं इस बार। रिया मैम चूज करती हैं वाशु पल्लवी और मुझे इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। प्रिंस, शिवी, हिमांशु एंड पीहू। प्रिंस सर ने चूज किया पीहू को, ये देख के कि पीहू बॉक्सिंग करती है तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगा। चलिए ऑल द बेस्ट, रेडी हो जाओ। वाशु को बोलो साथ में खेलने के लिए, उनको काटते हैं। सिंपल सी बात, जब वो कर सकते हैं तो हम भी करेंगे ना, और तो गेम है, दिमाग से खेलो सिर्फ। फ्रेंड्स, मैंने वासु से बात करके रखी थी कि हमारे साथ मिलके खेल, और कल से वो बहुत ज़्यादा बोले जा रहा था कि वो हमेशा प्रिंस भाई के लिए लॉयल रहेगा, तो आज था मौका जब देखना था कि वो लॉयल है भी या नहीं। बताओ मुझको, कॉन्फिडेंट है वो? हाँ सर, बिल्कुल है, एकदम सर। गौतम सर कहते हैं कि उन्होंने गैंग रिया से बात कर ली है एक अलायंस की, बट क्या इनके प्लेयर्स हमारी तरफ लॉयल रहेंगे या नहीं? हमको जीतना है, हमको अपने गैंग को जिताना है, हमें इम्यूनिटी चाहिए, हमें रोडियम चाहिए, हमें आज वोट आउट में निश्चिंत जाना है। कि अब बताओ आकृति, ठीक है डॉक्टर पीहू फॉर आकृति? नो, नहीं डॉक्टर आकृति फॉर पीहू। मुझे मेरी ही फ्रेंड पीहू के अगेंस्ट जाने के लिए बोल रहे थे, एंड दैट्स व्हाट गैंग चेंज मींस, एंड आई वाज अप फॉर इट, सो लेट्स सी कि मुझे किसको हराना था आज। गणपति
बापा मोरिया। अब हम लोग आ चुके हैं रिंग के अंदर, हम लोग रेडी है बैटल फाइट के लिए। पूरी समुराई वाली फीलिंग आ रही थी। जैसे आउटफिट्स उन लोगों ने पहने हैं, मुझे ना कोई निंजा लग रहा है, कोई वॉरियर लग रहा है। भाई आज कुछ तो धमाल होने वाला है इन लोगों के बीच। सो पहले राउंड में आ रहे हैं गौतम की गैंग से पराक्रम। ये प्रिंस की गैंग से हिमांशु। कम ऑन हिमांशु। रिया की गैंग से वाशु। वाशु। लेट्स गो वाशु। मुझे काफी कॉन्फिडेंट आ रहा था कि आज तो मैं कर ही लूंगा ये टास्क, चाहे दो आए, तीन आए, चार आए, जितने आए, पांच आए, सबको देख लूंगा। एक छोटे से मैं आपको रूल्स बता दूं। अगर कोई भी रोडी ज्यादा वायलेंट हुआ उसको एक वार्निंग मिलेगी और एक उसका ब्लू जो पॉड है हम लोग फोड़ देंगे। और अगर फिर उसके बाद उसने सेकंड टाइम वो गलती की उसको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे इस राउंड से। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है? यस सर। यस सर। मैं एक वाशु को इशारा करता हूं कि हमारी गेम ऑन है। उसकी तरफ से सामने से इशारा आता है कि हाँ ऑन है। एंड वहां पे मेरे इशारे के बाद मैं देखता हूं कि वाशु का इशारा जाता है हिमांशु को भी। तो वहां मेरा माइंड फ्लिप हुआ, मैंने कहा क्या ये मेरे ही अगेंस्ट आने वाले हैं। जब मैंने एक बार दोनों को देखा, दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं डाउट हो चुका था 100% कि दोनों मेरे अगेंस्ट आने वाले हैं। गाइस गेट सेट रेडी 3 2 1। जैसे ही स्टार्ट हुआ मैंने कदम लिए हिमांशु की तरफ में, एंड मैं देखता हूँ कि वाशु और हिमांशु दोनों मेरी तरफ आ रहे। तो वहां मैं समझ गया था कि गेम हो चुकी है फ्लिप। Come on, हिमांशु। मैं देखता हूँ भाई इस तरफ से मुझे कौन हिट मार रहा है। जो कि था वाशु। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था पर्सनली, मैं चाहता था ऐसा भूत बना दो इस आदमी का कि जिंदगी में कभी भी किसी को झूठ ना बोल पाए। वासु ने हिमांशु के दो ब्लड की पॉलिसिंस फोड़ दी, जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि वासु से प्रिंस भाई ने बात करके रखी थी और वासु ने प्रिंस भाई की भी नहीं सुनी। हिमांशु के भी फोड़ो अब। पराक्रम और तू मिलके फोड़ो ना। अगर मैं एक्चुअली में पराक्रम से बात करता ना तो पराक्रम ऐसा आदमी है, या तो वो मुझे बोल देता वो नहीं करा अलायंस, या वो अपनी बात पे खरा उतरता। तो एक्चुअली में गलती मेरी खुद की थी। मैं भाई वासु जो मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, तेरी गलती नहीं है, तू तो है ही दोगला। बैटल रिज्यूम करने से पहले आपको बता दें कि हिमांशु के तीन पॉट फट चुके हैं और पराक्रम के तीन, वाशु का अभी तक कोई पॉट भी नहीं फटा है। हिमांशु मुझे क्लियर हो गया था कि ये दोनों तो मेरा गेंस आने वाला है बिकॉज मेरे पूरे पांचों पाउचेस सेफ थे। तो अब मैं बोला आ जाओ। 3 2 1। सडनली हिमांशु और पराक्रम सारे टारगेटिंग वाशु क्योंकि उनको लगा कि अच्छा ये हम दोनों को मार रहा है, हमें भी इसको मारना चाहिए। वाशु फोकस रख। बहुत तेज मार रहे भाई दोनों। क्या क्या फूटा? पराक्रम भाई का चेस्ट फट चुका है। अब कितने बच गए? किस किस के दो एक, दो एक, 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 ए, दो, दो, दो एक, एक। पराक्रम और हिमांशु दोनों मिलके वासु पर अटैक करते हैं, लेकिन वासु वहां भी थोड़ा स्मार्टली खेल जाता है और पराक्रम का एक फोड़ देता है। वेपन्स वापस दे दिए गए हैं। 3 2 1। कम ऑन हिमांशु। चलो हिमांशु। मैंने कहा भाई पराक्रम
इसके तो हमें डोके बजाने पड़ेंगे, इसका भूत बनाना पड़ेगा अब। बचा के बचा के। वो दोनों ही वाशु को टारगेट करते हैं, तो मुझे उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था कि वाशु कैसे बचेगा। पराक्रम चाकर बढ़िया, पराक्रम बढ़िया, बढ़िया तेरे से। नहीं नहीं एक बचा। कुछ समझ में ही नहीं आया उस टाइम पर, मुझे लगा कि मेरे फुट तो नहीं गए, मैंने देखा अभी भी है, सेव है। जो भाई ये तो ठीक है वाशु, ठीक है दोनों सेव है, उसका चेस्ट फट गया है। सुपर सुपर वेल डन, नाइस वन यार वाशु को, वाशु वाशु वेल डन वेल डन। वाशु बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि टू आवर सरप्राइज अभी तक वाशु का जो रिकॉर्ड रहा है वो हर टास्क में कुछ ना कुछ गलत किया है, बट इस टास्क में एक अलग ही रूप देखने को मिला वाशु का जो कि हम सबके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। घूमना घूमना फट गया, फट गया तो ये तो है, चेस्ट फट चुका था, चेस्ट फटा हुआ था, फटा हुआ है, फटा हुआ है। सो पराक्रम के पांचों ब्लू पॉड्स फट चुके हैं। सबसे पहले पराक्रम भाई राउंड से आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं इस धोखे की वजह से और अपनी लापरवाही की वजह से मैं बाहर हुआ हूँ, तो दुख तो लग रहा था। अभी जो बचा हुआ गेम है वो है वाशु और हिमांशु के बीच में। It was me against वाशु। वाशु के वहां पर बचे थे दो पाउचेस और मेरा बचा था एक। फोकस कर जिसपे मारना है बस। उसका लेफ्ट हैंड, मेरा राइट हैंड और चेस्ट। मैंने स्ट्रेटजी प्लान की कि अगर राइट हैंड का फुट गया और मैं अगर अपना बाइसेप्स को सामने लाके रखता हूँ तो मेरा चेस्ट का कंटिन्यू सेव रहेगा। नो टेंशन, नो टेंशन, इजी। मैं घुमा के वो स्वॉट मारता हूँ, उसके पाउच पर पहला पाउच हिट हो जाता है, वहाँ पर दोनों के इक्वल हो जाते हैं। Come on, Himanshu! एक पाउच जैसे उसका हिट होता है साथ ही साथ वो मेरा पाउच हिट कर देता है और मैं गेम से बाहर हो जाता हूँ। और वाशु ने पढ़ लिया यार, तू पढ़ वाशु। बहुत मजे, बहुत मजे। डीजे सुनाए फिर तो दुनिया हिला देंगे, सामने आया जो उसको जला देंगे। द गेम मैन, अब मैं तो वहां बन चुका था किंग, क्योंकि मेरे टास्क में अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मुझसे जीतना तो नामुमकिन है। तीनों ने अच्छा किया भाई, तूने फाड़े है ना हमारे पास रोडियम जाके। हिमांशु ने मुझे बोला कि सर मैंने आपके कहने पे उस पर विश्वास किया, ये क्या हो गया, तो मुझे भी बहुत बुरी लगी कि यार कई बार जुबान बहुत बहुत आगे लेके जाती है, अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो हम निभाते हैं, क्योंकि लोग भी उनको पसंद करते हैं जो अपनी जुबान पे रहते हैं। सो बैटल कमाल का था, ठीक है सब बढ़िया लड़े, लेकिन वाशु इज द विनर ऑफ दिस राउंड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी टाइम वो प्रिंस गैंग के साथ खेला वो अंडर प्रेशर खेला है, यहाँ आने के बाद जब भी रिया मैम ने डायरेक्शन दिखाया कि भाई काम रहे और अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करके खेल, तो तभी वाशु ने अपना एलिमेंट दिखा दिया है। वाशु आ गए अपने फुल पावर मोड के अंदर। Come on, वाशु। एक नंबर। इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस, काश वाशु हमारे गैंग में करता, जो हम जो टास्क हारे है वो हम जीत पाते। अभी चालू होता है क्रांति नारी सब पे भारी वाला शॉट। अभी मैं नई गैंग में आई हूँ और अपने आप को ना बस दिखाना है कि मैं सारी लड़कियों में ना सबसे स्ट्रांग हूँ, और बस प्रूव करना है गौतम सर को भी कि सर आपकी गैंग आप जितना कमजोर समझ रहे हो उतनी कमजोर है नहीं। आपके चार चार ब्लू पॉड्स हैं, ठीक है चलिए 3 2 1 गो। देखिए आराम से, आराम से। गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आकृति पल्लवी दोनों के दोनों मेरे पॉट्स को फोड़ने पे ही फोकस किया, एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम पल्लवी। चल बीहू।
मुझे पर्सनली कॉर्नर्ड फील हुआ। यहाँ पे गौती गैंग की और रिया गैंग की अलायंस फिर से दिख रही है। ठीक है, खेलो झुंड में। चलो चलो, बहुत बढ़िया करती। पल्लवी पीछे हो। आकृति बहुत चालाक बिल्ली की तरह पीछे खड़ी है, आराम से मेरे को और पीहू को भिड़ने दे रही है एंड पीछे से आके सैक मेरा भी तोड़ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, वेट वेट वेट, बॉस वेट 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 वेट। आकृति बहुत अच्छे। आकृति बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही है, उसने पल्लवी के साथ अलायंस तो बनाया पर पल्लवी के भी ब्लड पॉट्स फोड़ दिए साथ में। आई लव यू आकृति। पल्लवी का 2 फुट है, पीयू का 2 फुट, वही कह रहे हैं, एक साइड का दोनों फुट गया है। कंटिन्यू। पल्लवी प्रोटेक्ट, बहुत बढ़िया, बचा बचा, नाइस नाइस, पल्लवी प्रोटेक्ट, पल्लवी प्रोटेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकृति अटैक करी थी एकदम एक बीस्ट की तरह, एक समुराई की तरह, जैसे उसको समझा के सबने भेजा था उसने वैसा ही वहां पे परफॉर्म किया है। देख के आराम से आराम से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड। तीनों का एक एक बचा, एक बचा है प्रोटेक्ट, मार आकृति आराम से, आराम से, बच्चे दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। वो दोनों अपने में थोड़ा सा बिजी थे, मैंने राइट साइड से सट से लगाया पीहू को एक निशाना और वो सट से फूटा, मुझे इतनी खुशी हुई। चाहे मैंने जितने भी ब्लू बैग्स फोड़े हो, वो एक जो ब्लू बैग मैंने फोड़ा था उसको फोड़ के तो मुझे यार बस मजा ही आ गया। सर कितने राउंड हो गया, दो दंगल गर्ल के आगे एक फैशन इन्फ्लुएंसर जीत जाती है, क्या बात है भाई। बहुत मजे, अरे वल्ला हबीबी, कहीं भी कभी भी। आकृति ने टास्क में बहुत सॉलिड परफॉर्म किया एंड उसने मुझे प्राउड फील कराया। तुझे मैंने जाने से पहले क्या बोला था? सर आपने जाने से पहले मुझे ये बोला था कि यही टास्क है, अपने आप को दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है, वरना सब लोग यही करेंगे, शी इज प्रिटी, शी इज क्यूट। मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा था। शी इज जस्ट नॉट प्रिटी एंड क्यूट, शी इज अमेजिंग। मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि यार फाइनली मैंने वो कर दिया जो मैं दिखाना चाहती थी, मैं प्रूव करना चाहती थी कि मैं सबसे स्ट्रांग हूं। सो गाइस, एक एक राउंड जो है वो गौतम और रिया जीत चुकी है, ये फाइनल राउंड है। We have Rishabh, Joginder, and Shivit. मैंने कहा जोगिंदर आज मौका आ गया, कुछ कर जा या मर जा, बस माइंड में ये था कि जीत का आना चाहे कुछ भी हो जाओ, क्योंकि अगर आज मैं हार गया तो इंसल्ट हो जाएगी बहुत गंदे वाली। मेरे दिमाग में बहुत सिंपल था, एक तो जोगिंदर को एक लट बहुत खींच के मारना था क्योंकि उसने मेरे बड़े भाई को उल्टा सीधा बोला था, और दूसरा आज जोगिंदर ये सब साथ खेलने वाले हैं, अगर आज मैं जीत के आ गया इनसे तो इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। 3, 2, 1, go! मेरे मुंह में था, तू पीछे था। जैसे मैं जोगिंदर पर अटैक करने लगता हूँ, ऋषभ मेरे पीछे आ जाता है, तो जो मेरा रिबाउंड होता है वो जाके ऋषभ के मुंह पे लगता है और ऋषभ चिल्लाने लगता है, जस्ट लाइक अ क्राई बेबी। पीछे था तू, पीछे था उसके मारा, तू पीछे था, यहाँ पड़ा है, तू पीछे था, ठीक है जान समझ ले मारा, पीछे रे मत कर, पीछे ना पीछे, यहाँ पड़ा है, कहाँ से था तू, पीछे नहीं था, राम राम मारा तेरे मुंह पे, शिवेत हो गया, चल चल भाई रे। वो चिल्लाने तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने उसके साथ। अभी तू रोडीज में आया, तेरे थोड़ी भी नहीं लगेगी क्या? शिवी ने बहुत जोर से मारा है, शिवी ने, शिवी का डंडा देखो, मेरे पीछे था वो, ठीक है पीछे कैसे मारू वो बता, बोल पीछे। अगर तू मेरे पीछे से अटैक करेगा तो डंडा ही पड़ेगा ना, आरती तो तेरी उतारूंगा नहीं। शिव तो मुंह पे मारा है, तो मेरे पीछे था, मैं कैसे मारूंगा, इधर कैसे मारूंगा, रुक जा देख लेते हैं इधर कैसे मारूंगा, लगा है, लगा है, शिव तो मारा है मुंह पे, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, नहीं गलत है, ओवरहैंड मना किया है ना, तेरे को तो मार ही रहा था, वो तो जोगिंदर के मार रहा था, वो तू पीछे है वो लगा है, सर वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे किसी को भी लगेगा सर, सर ये लगा है और गलत है, लगा है और गलत है। यार देख के आया भाई,
मेरे नाक टूटे थे, पैर एक टूटे पे मैंने टास्क किया था पूरा शो। कितने लोग हैं जितने इतने इंजर्ड हुए थे, पर हमने कभी ऐसा कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि वो एक्चुअली में रोडीज करने आए थे। पर तुम पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम कौन सा शो देख कर आए हो कि तुम इतनी बातों पर कंप्लेंट करते हो। सर ये अलाउड ही नहीं है, आपको एंड शिफ्ट ने किया है, प्लीज उनका फॉल करो। अब मैं जान मुझके मारूंगा तो मुंह टूटेगा, याद रखियो। शिवेत मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि एक्चुअली उसके वेपन से किसी के फेस पे हिट हुआ है। मतलब एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज होती है भाई, बट ही वाज लाइक कि हिट हो गया तो क्या, लग गया तो क्या। शिवेत और जोगिंदर, आपका जो स्टिक घूम रहा था बहुत रैंडम घूम रहा था, इज नॉट अलाउड। हम पहली बार बोल चुके हैं ये स्टिक लग सकती है आपके, और आपको पास में रख के मार रहे हैं। आप ऐसे कैसे घुमाओगे यार? सोनू सर बस एक चीज, मैं पीछे कैसे मारूंगा? बात खत्म। अब मैं पीछे कैसे मारूंगा? हर चीज में रीजन मत दे यार, हर चीज में रीजन। रीजन क्या, लॉजिक है तो दे रहे हैं। पीछे से टक मत करना ऋषभ, सामने से भी मार ले, सामने से ज्यादा ऋषभ। अबे इन्हें इसे लगता है मेरे पीछे आंखें हैं। और डोंट गेट क्राई बेबी ब्रो, लगेगा तू चिल कर। ऋषभ बीइंग अ क्राई बेबी, रिलैक्स। फाउल किया है तो फाउल किया है गाइस, रूल्स रूल्स होते हैं। मैं यहाँ किसी को हार्म करने नहीं आया हूँ। अगर मैं इन लोगों की तरह भेड़ियों की तरह लड़ना चालू कर दूंगा और एग्रेशन से एक दूसरे को मारना पीटना चालू कर दूंगा तो इन लोग हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। शिवेत और जोगिंदर, जिस तरीके से आपने गुआ है, आपका एक एक फाउल हुआ है। Yes, fair and square. कैमरा झूठ नहीं बोलता मेरे भाई। वो क्यों अंडरआर्म खेले नहीं तो? तुमने एक बात समझ में आ गया होगा कि जो भी जोश से काम लेते हैं ना वो अपना होश खो देते हैं, एंड जो होश खोता है वो इस रोडीज के टास्क में तो कतई नहीं जीत सकता। जो एक एक पाउच इन लोगों का काम हुआ है ऋषभ, आप जाके उनका एक एक पाउच फोड़ेंगे। हार्ड वाला फोड़, हार्ड वाला फोड़, इजी वाला मत फोड़। वो तोड़ता है दिल का, जो से पता था सबसे हार्ड है फोड़ना। मतलब इतना बुजदिल है, हिम्मत थी तो साइड का एक फोड़ लेता चुपचाप, दिल का छोड़ देता, खेलता गेम। फिर कहता है मर्दों वाली गेम खेलता हूँ। अबे तेरे बस का नहीं है ब्रो, तेरे मुंह पे एक खरोच लग जाती है तो तू रोने लगता है। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बस माइंड में ये चल रहा है कि मेरे को जीतना है भाई, फुल कॉन्फिडेंस अंदर, फुल एनर्जी। मैंने कहा आ जाओ आज कोई भी आ जाओ, आज मेरा दिन है। मैंने डंडा लिया, दो फोड़ दिए, तेरा बाप आया। मेरे माइंड में तो ये था पहले प्रिंस गैंग को बाहर करता हूँ क्योंकि ये इनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड है। मैं रुका हूँ इसीलिए, जोर से मार रहा है भाई। क्या कर रहा है भाई? भाई सर ये मार दो, एक नंबर मार। वैसे भी इन्होंने गैंग अप भी करने है तो फेल दे। ठीक है डैगला तू भी स्टिक तोड़ दे, तू भी मार। गए इनके हाथ, गए ये तोड़ लियो ना, तुम्हारे हाथ गए। मार मार मार। मैंने कहा ठीक है, अब जब डैगला कितनी भी जोर से मार सकते हैं तो मारते हैं। Guys, get ready, 3, 2, 1. मार दे, मार दे, मार दे। मार दे, मार दे, मार दे। बहुत बढ़िया। जोगी बच के, बच के बेटा। मारेगा ऋषभ से भी संभल के, ऋषभ से भी संभल के, ऐसा नहीं है। बढ़िया। ऋषभ से भी संभल के। दोनों हाथ से जीवित, दोनों हाथ से। ओह भाई बहुत है। शिवेत ने जोगिंदर के पेट में इतना जोर से डंडा मारा भाई, मतलब क्या पर्सनल लेवल खुंदस निकाल रहा है यहाँ पे भाई। बहुत ही मारा भाई, फाउल। रोक 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 रोक, फाउल फाउल फाउल, बहुत तेज मारा। फाउल है सर, फाउल है। दिस इज नॉट गेम प्ले, दिस इज हर्टिंग ईच अदर। आई एम नॉट प्लेइंग, इफ यू गाइस वांट टू विन यू कैन विन। शिवेत बहुत गंदा गेम खेल रहा था, वो इतनी जोर जोर से हिट कर रहा था यार, ये बंदा सही नहीं खेल रहा, इसको बाहर निकालो। डायगोनल अलाउड है, लेकिन आपने पेट में मारा है बहुत जोर से। यस भाई, इतनी गेम में तो इतना तो होता ही है। आई अग्रीड, पर ना जैसे लड़ रहे हैं ना बहुत गलत है। अब भाई सब जानते हैं, सब जानते हैं, पर पिछली बार जोगिंदर कैसे मार रहा है, पिछली बार जोगिंदर का डंडा टूट गया मार के, मैंने कुछ नहीं बोला, इतना तो लगते हैं। पर जैसे वो मार रहे हैं ना, जो एग्रेशन है, विच इज रॉन्ग। आई अग्री। सुनो सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपने देखा, कोई बात नहीं। शिवी बाहर आया, डिस्क्वालीफाई हो गया श्वेत, बाहर निकल गया। मेरे को मजा आ गया, मैंने कहा ले भाई, जो मैं सोच के आया था ना वो चीज हो गई। प्रिंस गैंग को पहले बाहर करना था। भाई बढ़िया। अबे सुन, झुंडवा सुना, क्या झुंडवा हो, क्या झुंडवा हो, आजा आजा आजा,
मैंने कहा तू एक काम कर आई जा, टास्क बाद में करेगा, पहले तू आमने सामने तेरे को देखता हूँ तू क्या चीज है। जोगिंदर फोकस कर ले, फोकस फोकस बेटा, क्या झुंडमाज है, फोकस 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 फोकस, पीछे पीछे पीछे, जोगी जोगी ये भी गलत है तू, आप सही मतलब है जोगी, मेरे गैंग में है ना तू अभी, अरे आ जाना ये रिंग में आ जा, अरे तुम्हारे गैंगस्टर को बहुत लगता है ये फाउल, चलो सारे रोडीज खेलने आया, क्या खेलने आया, कोई बात नहीं चल जा बैठ जा, साला इतने इतने सीजन किए लोगों के नाक हाथ पैर टूटते थे तब तुमने ये नहीं करा, काम डाउन, इसको कुछ और शो का नाम रख लो, रोडीज मत रखना, अलायंस रख दो, अलायंस 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 रखना बस, खेलना है तो फेयर खेलो यार, सब लोग इंडिविजुअल खेलो, अलायंस बना के एक गैंग को टारगेट करके अगर आप जीत भी गए तो वो जीत का कोई फायदा नहीं, दोनों में से जो भी गैंग जीतेगा उसे 3 इम्यूनिटीज मिल जाएंगी। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है इस वक्त की, अगर मैं ये टास्क हार गया तो मेरी गैंग मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगी, रिया मैम मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगी, बस माइंड में ये था कि जोगिंदर कर, आज तेरे को करना है, अब इनके ना हिट की स्पीड देखियो, वही तो देखियो अब कैसे पुच्चू पुच्चू खेलेंगे ये, बढ़िया बढ़िया, चिल मारते हुए एकदम से उसके अटैक पर अटैक, तो बच्चे खेल रहे हैं, जोगिंदर गरबा खेल ले गरबा, अब ये बैटल रही नहीं, मुझे गुजरात के नवरात्रि की याद आ गई, ये रोडीज कर रहे थे या बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि टास्क का नाम होना चाहिए गरबा भरी गैंग, अब फाड़ दे, फाड़ गया, मैंने उसको तीसरा फोड़ा, चौथा फोड़ा, मैंने कहा बेटे आ गया टाइम, एक बचा वाह, अरे क्या बात है लड़के, सीता लड़के, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि जोगिंदर इस तरह से अटैक करेगा, बट समवेयर ही वाज परफॉर्मिंग रियली नाइसली, अब डंडा नहीं टूटा है, तेरे से बात कर रहा हूँ, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, चुप हो जा, गाली दे रहा है, यही तेरी औकात है, हाथ मैं चलाऊंगा ना, मिलेगा नहीं, वो चलाना आता है तुझे, हाथ पर क्या चलाए, हर टास्क के एंड में लोगों को बहाना मिल जाता है और ज्यादा लड़ाई झगड़े करने का, एंड वही हुआ यहाँ पे, एंड इस टास्क में तो अलग ही लेवल पे हुआ, क्योंकि एक तो रिंग के अंदर लड़ाई चल रही है, ऊपर से हमारी भी आपस में लड़ाई चल रही है, चाशा बजाना, हाँ जोगी जोगी स्टाइल में ऊपर हाथ, छाती पे ले, पैर में लग गया उसको सर, मैं पीछे हट रहा था, मेरा पैर मुड़ गया और इतना ज्यादा मेरे को पेन हुआ, क्या हुआ बॉस, करो बॉस, पैर गया, नरम गया, नीचे बैठ भाई, भाई अरे यार ओए क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये लगा कि गड़बड़ हो गई, अरे उसका पैर गया भाई, कंधे पे हाथ रख, मेरे कंधे पे हाथ रख, वैसे ठीक है, सही है ना, चले करेगा सर, करेंगे ले आओ, जब भी जोगिंदर बोलता है कि मैं अपनी मैच कंटिन्यू करूंगा तो वो टाइम पे समझ जाता है कि जोगिंदर के अंदर एक भलती फायर है जो प्रिंस गैंग ने बहुत टाइम से दबा के रखी थी, और ये जो फायर है इसका अभी बदलाव हो गया, इसका परिवर्तन हो गया एक ज्वालामुखी में, एक वॉल्केनो में, जो अभी फटने वाला है, तो एक पोर्ट ऋषभ का बचा हुआ है, एक मेरा बचा हुआ है, मेरे पैर में पेन हो रहा है बहुत गंदे वाला, मैं एक टांग से उछल रहा हूँ, 30 सेकंड्स मो, जोगिंदर आगे आगे टक्कर, क्या बात है, ये देखो सर, ये क्या है सर, अरे जोगिंदर जाना, हां पकड़ लिया, पीछे यस बन गया।
उसका जो वेपन होता है वो मेरे पैर के बीच में फंस जाता है एंड उसका एडवांटेज लेते हुए मैं तुरंत उसके जो लास्ट एंड फाइनल पाउच होता है उस पर अटैक करता हूँ और उसके पाउच को पॉप कर देता हूँ। Well done, Rishabh! क्या बात है? इस राउंड का विनर बन जाता हूँ मैं और मैं जीत लेता हूँ अपने गैंग के लिए इस बार इस टास्क में इम्यूनिटी। क्या खेला यार तूने? सॉरी भाई, चोट नहीं लगा। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया यार। जोगी जोगी, मेरे लिए तो तू जीत गया ही। थैंक यू सो मच भाई। भले ही हम ये राउंड हार गए पर जोगिंदर के लिए दिल में रिस्पेक्ट बन गई, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी गैंग के लिए। और आज जो उसने परफॉर्म किया है ना, मुझे लगता है कि जोगिंदर सिर्फ बातें ही नहीं करता भाई, वो काटता भी है, ध्यान रखना। आज जो हमारा ये टास्क था खून भरी गैंग, ये रिया ने जीता है विद 3 इम्यूनिटीज। हमारा जो तारा भाई जोगिंदर है थोड़ा सा इंजर हुआ है। लड़का भले ही गेम ना जीता हो लेकिन रिस्पेक्ट जीत के गया। अगर यही चीज हमारी गैंग वाले समझते तो कहीं ना कहीं जोगिंदर हमारे गैंग के साथ खेलता, बट हमने उसको बहुत ही लाइटली लिया, ना ही वो चांस दिए और ना ही वो रिस्पेक्ट दी जो वो डिजर्व करता था। प्रेम, तुझे मौका नहीं मिला। हाँ सर, इसलिए तू एक बार आगे बता दे, तू होता कैसे लड़ता, इधर आगे बता दे। चल कम ऑन प्रेम, डंडा भी देता है। प्रेम इस टास्क में सिर्फ आंखों का खेल था, आंखों का और हाथों का। आप अपने हाथ का इस्तेमाल करके दुश्मन को छल्ली कर सकते हो। बच जाओ, डिफेंड करो। हाँ। और फिर हाथ जोड़ लो। ए मेरी चल्ली। प्रिंस भाई ने इसलिए मुझे टास्क परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया था कि मैं बहुत खतरनाक किस्म का इंसान हूँ, अगर किसी को चोट लग जाती तो डायरेक्ट एलिमिनेट होकर घर चला जाता। रोडियम्स का काउंट आज हम रात को आपको बताएंगे। ओके। क्यों? क्योंकि आज रात को है वोट आउट। हमारे पास इम्यूनिटी नहीं थी तो प्रिंस भाई ने हमें बोल दिया था, क्योंकि उनका अलायंस बहुत क्लियरली दिख रहा था टास्क में। तो प्रिंस भाई के साफ वर्ड थे कि किसी भी गैंग से आगे पिच मत करना, जो आज घर जाएगा वो चौड़ में जाएगा। हमने अपना गेम अच्छा खेला है और बाहर दुनिया उसे देख लेगी। और इसी के साथ साथ रिया मैम की गैंग और गौतम सर की गैंग की जो अलायंस है वो एकदम मजबूत हो चुकी है। अब बताते हैं इनको वोट आउट में कि कैसे बाहर निकालते हैं लोगों को।